हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रज्ञा कुलकर्णी आज आपको फंजाई का जनरल अकाउंट, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। यह चैप्टर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 का हिस्सा है। चलिए देखते हैं फंजाई के बारे में जानकारी। फंजाई एक यूकैरियोटिक एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है और क्लोरोफिल का अभाव होता है। इनको प्लांट किंगडम में रखा गया है, पर ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जिसमें कि क्लोरोफिल का पूर्णतः अभाव होता है। फंगस ज़्यादातर फिलामेंटस या ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर ज़्यादातर फंगस जो है वो फिलामेंटस और ब्रांच स्ट्रक्चर के होते हैं। इनकी जो सेल है ये सेल वॉल से घिरी हुई होती है। इनका डेफिनेट शेप होता है और वो सेल वॉल बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। सबसे ज़्यादा फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और कुछ स्पीशीज में सेल्यूलोज या दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। फंगस स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर है। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं और स्पोर्स के द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ये फंगस दिखाई कैसा देता है या स्वभाव क्या है फंजाई का, इसको जानेंगे। प्रकृति में चार तरह के फंगस पाए जाते हैं। कुछ जो है वो केवल यूनिसेल्युलर है, एक कोशीय जीव है, जिसमें कि एग्जाम्पल्स में ईस्ट आते हैं, जिनको कि ज़्यादातर हमने देखा है, पढ़ा है। दूसरे तरह के हैं जो यूनिसेल्युलर भी हैं पर प्रिमिटिवली ब्रांच्ड है। उसमें कुछ माइनर ब्रांचिंग्स कभी कभी पाई जाती हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हैं काइट्रिड्स। तीसरे तो ज़्यादातर इस तरह के फंगस पाए जाते हैं प्रकृति में, जो हैं माइसीलियल या फिलामेंटस फॉर्म्स। ये माइसीलियल फॉर्म्स भी दो तरह के हो सकते हैं, होलोकार्पिक जिनको कहा गया, जिसमें कि किसी तरह का डिफ्रेंसिएशन नहीं है, या यूकार्पिक जिसमें कि डिफ्रेंसिएशन है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और एक और चौथा फॉर्म है जिसको हम कहते हैं डायमॉर्फिक फंजाई। ये डायमॉर्फिक फंजाई अपनी लाइफ में कुछ समय यूनिसेलुलर की तरह से बिताते हैं और कुछ समय माइसीलियल की तरह से बिताते हैं। ज़्यादातर इनमें पैथोजेनिक फंजाई होते हैं और ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं, जो होस्ट के बॉडी के अंदर यूनिसेलुलर और आर्टिफिशियल मीडियम में या एनवायरनमेंट में मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। एक टिपिकल फंगस का थैलस ऑर्गेनाइजेशन हम सामान्य तौर पर इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। लंबा फिलामेंट जिसमें कि ब्रांचिंग है। फिलामेंट में जगह जगह पर सेप्टम दिखाई दे रहा है। ये सेप्टम क्रॉस वॉल्स के फॉर्म में होगा, जो फिलामेंट को अलग अलग हिस्सों में बांटता है। हर फिलामेंट में ब्रांचिंग है और इस तरह से ये फिलामेंट के जो टुकड़े हैं इनको हम कहेंगे हाइफी। हर हाइफी अपने टिप पर टेपर नुकीली संरचना दिखाती है, जो उसकी एपिकल ग्रोथ को समझाने के लिए स्पष्ट होती है। हाइफी एक नली नुमा संरचना, ट्यूब, जिसमें कि एक रिजिड सेल वॉल है, एक स्पष्ट सेल वॉल है जो उसके अंदर के प्रोटोप्लाज्म को कवर करती है, और उसका टेपरिंग एंड जो कि एपिकल ग्रोथ को दर्शाता है। हाइफा सिनोसिटिक या सेप्टेट दो तरह के हो सकते हैं। सिनोसिटिक मीन्स उनमें सेप्टा फॉर्मेशन, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, और सेप्टेट जिसमें कि थोड़ी थोड़ी दूर पर सॉलिड या छिद्र युक्त परफोरेटेड सेप्टम्स भी पाए जा सकते हैं। ये सेप्टा या क्रॉस वॉल्स जो होती हैं ये तीन तरह से फंक्शन करती हैं। ये पुराने माइसीलियम को या डैमेज रीजन, जो नुकसानग्रस्त है, जिसमें क्षतिग्रस्त रीजन है, उनको सामान्य हाइफा से अलग करने के लिए, या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बीच विभिन्नता दर्शाने के लिए, या सामान्य तौर पर एक समान दूरी पर क्रॉस वॉल्स पाए जाते हैं, जिसको कि सेप्टेट फंजाई या सेप्टेट हाइफी हम कहेंगे। ये हाइफी जिनमें सेप्टा पाए जाते हैं वो सेप्टा या तो सॉलिड होंगे, ठोस होंगे, या उनमें छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा एक सेल से दूसरे सेल के बीच कनेक्टिविटी या संबंध बना होता है।
इस चित्र में आप देखेंगे कि एक फंगस की आंतरिक संरचना को हम कैसे समझ सकते हैं। ये एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, एक नलीनुमा संरचना जिसको कि हम हाइफा कह रहे हैं। जगह जगह पर सेप्टा बने हुए हैं जिसमें कि सेल्स जो हैं वो माइसीलियल की सेल्स जो हैं एक दूसरे से अलग डिवाइड हो रही हैं। हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशंस, एक नॉर्मल पादप कोशिका में जिस तरह की इंक्लूशंस पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, वो सारी यहाँ पर पाई जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर वैक्यूल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रिबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्गी एपरेटस है, क्रिस्टल्स हैं, लिपिड बॉडी है और न्यूक्लियस है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसके कारण हम फंगस को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन सब के चारों तरफ हाइफल वॉल की बाउंड्री है और उन दोनों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल को यदि हम डिटेल में पढ़ना चाहे तो सेल वॉल में सबसे बाहरी हिस्सा एमॉर्फस ग्लूकेंस का बना होता है जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है। ये जो प्रोटीन है उसके अतिरिक्त एक और प्रोटीन की लेयर केवल हाइफल टिप्स पर। हाइफल टिप्स को हमने देखा था कि वो एक एपिकल ग्रोथ के लिए, आगे तक लंबाई में बढ़ाने के लिए साबित होती है, सहायक होती है, इसलिए उस जगह पर सेल वॉल की संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन पाया जा सकता है। इस प्रोटीन लेयर के नीचे काइटीन की लेयर होगी और उसके सबसे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सेल वॉल का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन हम यदि पढ़ें तो उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है पॉलीमेरिक फाइब्रिल्स जो कि काइटिन या सेल्युलोज या दोनों का बना होता है। एमॉर्फस मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स जो है, कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्लूकेंस, प्रोटीन्स, लिपिड और हेड्रोपॉलीमर्स के बने होते हैं। ये हेड्रोपॉलीमर्स मैनोज, गैलेक्टोज, फ्यूकोज और जाइलोज जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो सब मिलकर एक एमॉर्फस मैट्रिक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। अलग अलग स्पीशीज में फंजाई की अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स पाए जा सकते हैं और एक ही स्पीशीज में उसकी लाइफ साइकिल के अलग अलग समय पर सेल वॉल कंपोजिशन में परिवर्तन हो सकता है। सेल वॉल के कार्यों को देखें तो सेल वॉल के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना, सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना। दूसरा, हाइफी या माइसीलियम को एक नियमित आकार प्रदान करना, एक मेंटेन उसका शेप जो है वो मेंटेन करना। फिर फंगस और एनवायरनमेंट के बीच एक अंतर साबित करना, इंटरफेस उनके बीच एक अंतर साबित करना। फंगस जो है वो कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और वो सिक्रीशन के लिए सेल वॉल एक बाइंडिंग साइट जैसी साबित हो सकती है। और उसके अलावा फंगस की सुरक्षा के लिए या उस फंगस को दूसरे अन्य जीवों से इंटरैक्शन, अंतर संबंध बनाने के लिए कुछ एंटीजेनिक कंपाउंड्स भी सेल वॉल के ऊपर पाए जा सकते हैं। अब हम अपने चैप्टर का दूसरा हिस्सा देखें, न्यूट्रिशन, पोषण। ये फंगस अपने न्यूट्रिशन को कैसे लेता है? जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये क्लोरोफिल विहीन ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्लोरोफिल का पूर्णतया अभाव होता है, इसलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। इस गुण के कारण इनके न्यूट्रिशन को हम कहते हैं कीमो हेटरोट्रॉफिक। फंजाई को कहा जाता है कीमो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कीमो का मतलब केमिकल, हेटरो का मतलब बहुत सारे और ट्रॉफिक मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंसी, किस तरह से ये अपना भोजन बनाते हैं उसके आधार पर उनको कहा जाता है कीमो हेटरोट्रॉफिक, या और एक दूसरा नाम कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके ऊपर आश्रित। इस भोजन बनाने की प्रक्रिया में ये पहले से मौजूद वातावरण में पहले से मौजूद ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनका प्रमुख सोर्स स्रोत जो है वो मृत कार्बनिक पदार्थ है या इनके कुछ स्पीशीज जीवित जीवों पर भी आश्रित रहते हैं। इनके भोजन के जो
छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड या घुलनशील कंपाउंड जो इनके चारों तरफ पाए जाते हैं, वो अपनी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली ये एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। पर जो बड़े या लार्ज कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि पॉलीमर्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये पहले छोटे टुकड़ों में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं और बाद में उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है, इसके लिए फंगस को एक वरदान मिला हुआ है जिनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स फंगस की खास खासियत है और इस खासियत के कारण हम फंगस को डीकम्पोजर्स ग्रुप में रखते हैं। हम इकोसिस्टम जब पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि इकोसिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बना हुआ है वो है डीकम्पोजर्स, अपघटक। और अपघटक मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उनको छोटे हिस्सों में तोड़ने वाले। और ये तोड़ने का काम इस खास गुण के कारण होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। फंगस अपने जीवन काल में इस तरह के एंजाइम्स स्त्रावित करते हैं जिससे कि बड़े कंपाउंड्स छोटे कंपाउंड्स में टूटते हैं और वो छोटे कंपाउंड्स फंगस अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर फंगस को हम चार ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप जिनको हम कहेंगे सेप्रोफाइट्स, दूसरा पैरासाइट्स, तीसरा सिम्बायोंट्स और चौथा प्रेडेशियस। सेप्रोफिटिक फंजाई जो अपना न्यूट्रिशन मृत कार्बनिक पदार्थों से लेंगे जो कि एनिमल या प्लांट ओरिजिन के हो सकते हैं। ये आवश्यक रूप से इन्हीं मृत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर अपना सर्वाइवल शो करते हैं। इनमें से कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण, भोजन अवशोषण ग्रहण करने में मदद करती है। उन संरचनाओं को हम कहते हैं राइजोइड्स। ये फंजाई मोस्टली एक्सो एंजाइम्स या जिसको हमने कहा था एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ये प्रोड्यूस करते हैं और उसके द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये किसी सरफेस पर या सरफेस के अंदर भी पाए जा सकते हैं जिसका एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस एक्सेट्रा। दूसरा ग्रुप है पैरासिटिक फंजाई। ये अपने पोषण के लिए जीवित जीवों पर आधारित होते हैं। इन जीवित जीवों में पौधे या प्राणी दोनों हो सकते हैं। ये पौधे और प्राणी जिन पर की फंगस आधारित होते हैं अपने पोषण के लिए, उनको हम कहते हैं होस्ट। ज्यादातर इस पूरे प्रक्रिया में होस्ट डैमेज होता है, होस्ट को नुकसान पहुंचता है क्योंकि फंगस उस पर आश्रित है, भोजन के लिए आश्रित है और होस्ट द्वारा बना बनाया भोजन फंगस ग्रहण कर रहा है जिसके कारण होस्ट को जो नुकसान पहुंचता है, जिसका कि परिणाम रिजल्ट डिजीज के रूप में हो सकता है। इस रिलेशनशिप को हम पैरासिटिज्म कहते हैं। इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जो फंगस के पास पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो अपने होस्ट से पोषण ग्रहण करते हैं, जिसको हम कहते हैं होस्टोरिया। इसके एग्जांपल्स हैं एरिसाइफी, फाइटोफ्थोरा और एल्ब्यूगो। पोषण पद्धति के आधार पर इन पैरासिटिक फंजाई को हम तीन तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहला है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, आवश्यक परजीवी जिनको हम कहते हैं, जिन्हें अपने भोजन के लिए जीवित होस्ट की आवश्यकता होती है। ये किसी मृत ऑर्गेनिक पदार्थ पर अपनी आजीविका नहीं चला सकते। इसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया और एल्ब्यूगो। दूसरा ग्रुप है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। ये मुख्य रूप से पैरासाइट होते हैं पर यदि इनको स्पेशल होस्ट, इनका स्पेसिफिक होस्ट ना मिले तो ये कुछ समय के लिए सेप्रोफाइट्स जैसा भी बिहेव कर सकते हैं, इसलिए इनको कहा गया फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। इनका एग्जाम्पल है टेफ्राइना। तीसरा समूह है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ये फंगस ज्यादातर सेप्रोफिटिक होते हैं पर कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि उनको सूटेबल होस्ट मिल जाए तो वो पैरासिटिक नेचर भी शो कर सकते हैं।
और इसलिए इनको कहा गया फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। इसका एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम और पीथियम। तीसरे तरह के फंगस है सिम्बायोटिक फंजाई। ऐसे फंजाई जो सहजीवन व्यक्त करते हैं और इस सहजीवन के दौरान दूसरा जीवित पार्टनर जो है वो नुकसान नहीं ग्रहण करता, ये म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, दोनों को फायदे होते हैं। इनके बहुत कॉमन से एग्जाम्पल लाइकेन और माइकोराइजा है। इन लाइकेन और माइकोराइजा को हम अलग से किसी एक अलग वीडियो में देखेंगे। लाइकेन जो होते हैं वो एल्गी और फंजाई का सहजीवन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और माइकोराइजा जो है फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट्स होंगे। अंतिम ग्रुप है जिनको न्यूट्रिशन के आधार पर हमने फंजाई को डिवाइड किया था, वो है प्रेडेशियस फंजाई। इनको हम कहते हैं एनिमल कैप्चरिंग फंजाई या शिकारी भक्षक फंजाई होते हैं, जो ज़्यादातर मिट्टी में पाए जाते हैं और अपने प्रे को वो कैप्चर करते हैं। इनके पास विशेष हाइफल ट्रैप्स पाए जाते हैं जिन्हें स्नैर्स कहते हैं, जिससे कि वो अमीबा, निमेटोड्स, छोटे कीट जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनको अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कभी कभी ये चिपचिपा पदार्थ भी स्रावित करते हैं और अपने अपने भोजन को वो उससे चिपका देते हैं। इसके एग्जाम्पल है आर्थ्रोबोट्रिस और डिक्टेलेरिया।